Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajveer Sisodia. And guys, आज का जो हमारा वर्कआउट होने वाला है, वर्कआउट तो जो होने वाला ठीक है बाबूजी, ऐसा जिंदगी झंडू आया हमारा. तुमको पता कल हम कहाँ थे? ऋषिकेश. आज सुबह लौटे 4 घंटे की ड्राइव करके. अब तुम्हें कल के वर्कआउट का वीडियो चाहिए. कल तुम क्या करोगे? बैक एंड बाइसेप्स. अच्छा, हम सोए नहीं है, मील भी नहीं खाई है. सुबह से सो के उठे हैं, अभी उठे हैं, भूखे हैं. लेकिन अभी हमारे ऊपर पता क्या लोड है कि हमको वीडियो बनाना है तुम्हारे कल के वर्कआउट का, फिर उसको एडिट करना है. और शाम को हमारे बहुत कॉलेज के खास दोस्त के भाई की शादी है, तो वहाँ भी जाना है. तो अगर हम शाम को वहाँ चले जाते तो तुम्हारा वीडियो कैसे बनाते? तो अभी हम जिम जा रहे हैं तुम्हारा वीडियो बनाने, वर्कआउट करने नहीं जा रहे, अपना वर्कआउट छोड़ के तुम्हारा वीडियो बनाने जा रहे हैं. जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, वापस भाग आएंगे, उसमें 1-1.5 घंटे ऐसी तैसी करवाएंगे, एडिट करेंगे, फिर आपको देंगे. और वो देखो ना देखो वो आपकी मर्जी है, उसमें भी आपकी मर्जी है. उसके बाद शाम को दोस्ती भी तो निभानी है, फिर शादी में जाएंगे, खाना कुछ है नहीं, मील लेके जाएंगे. ठीक है, सुबह सुबह सलाद तेरी बहन इधर फटपटिया को लेकर मरा ना है. फिर खाना हमने कुछ है नहीं, वहां सलाद खाएंगे, सैलेड आई मीन सलाद खाएंगे. उसके बाद घर आएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर कौन सा जिम खुला हुआ है भाई, है ना. तो जिंदगी इस तरह से हमारा झंड हो चुका है. तो चलिए जल्दी से जिम चलते हैं, वीडियो बना दें तुम्हारा बैक एंड बाइसेप, उसको डाल देंगे. देखो मत देखो, तुम्हारी मर्जी, अपन को व्यूज की लोड है ही नहीं, है ही नहीं. चलो अरे भैया जी जा रहे हैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाने. अरे कोई तुम कहते हो भैया गाली मत दिया कीजिए इन लोगों को. अरे जब हम बोल रहे हैं तो काहे हमको डिस्टर्ब कर रहे थे. जा रहे हैं मेहनत मजदूरी करने, तुम्हारे लिए वीडियो बनाएंगे, फिर शाम को शादी में जाएंगे, सूखा अंडा खाएंगे. जिंदगी झंड कर दी तुम्हें पता है. कल मयंक ने मुझे बोला कि भैया सीरीज वाले वीडियोस के ऊपर व्यूज कम आते हैं, आप बनाते क्यों? तो पता है क्या होता है, जो अच्छा कंटेंट होता है ना तो सारे लोग देखते हैं. लेकिन सीरीज वाले जो वर्कआउट वाले वीडियो था, क्योंकि हर बंदा वर्कआउट कर नहीं रहा, हर बंदा फॉलो कर नहीं रहा, तो कुछ ही लोग फॉलो करते हैं तो वही देखते हैं. तो ये रीजन है. और उन कुछ लोगों के लिए ना, अगर 50 लोग भी देख रहे होंगे ना, 50 लोग सीरियसली कल सुबह जाके अगर वर्कआउट करेंगे तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा. मुझे नहीं 10 लाख 5 लाख व्यूज चाहिए. मेरा जो मोटिव है वो ये है कि भाई जो मेरे भाई देख रहे हैं, जिनको हेल्प मिल रही है डेली वर्कआउट देख देख के, वो कुछ अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट ला पाए, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाए. मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे DM आते हैं कि भाई आपने जो वर्कआउट सीरीज चलाई हुई है उसको हम फॉलो कर रहे हैं और उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. बाकी जिंदगी तो झंड कर ही दी है तुम लोगों ने. एक ही चीज जिंदगी बचा रही है जिससे थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है, वो क्या है? बिनोमो. तो भाई थोड़े बहुत काम भी चलता रहे, काम धंधा सब करवाई दिया तुमने, यही सब करता रहूं. ऋषिकेश जाओ, वहां व्लॉग बनाओ, फिर यहाँ आके जिम के वर्कआउट वीडियो बनाओ, कमाए कहाँ से, खाए कहाँ से? तो भाई एक बिनोमो ऐप बची हुई है. आप बिनोमो ऐप क्या है? बिनोमो ऐप एक ट्रेडिंग ऐप है. इसमें क्या करना होता है? सिंपली आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो, मेरी तरह जैसे मैं कमा लेता हूँ. अब इसमें क्या करना होता है, सिंपली आपने इसमें, पहले मैं आपको समझा देता हूँ गाड़ी रोक के. आपने सिंपली बिनोमो ऐप को डाउनलोड करना है. डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, और बिनोमो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने बिनोमो ऐप को खोलना है. बिनोमो ऐप जब आप खोलेंगे तो आपको इस तरह से ये सब दिखाई देगा ऑप्शंस. रियल अकाउंट में आप देख सकते हैं मेरे 78,000 रुपीज़ है. मेक डिपॉजिट से आप डिपॉजिट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट यहाँ से हमको करनी होती है, जैसे मैंने 7,000 की कर दी. और यहाँ पे हमें अंदाजा लगाना होता है, प्रिडिक्शन करनी होती है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. तो अभी मुझे लग रहा है ग्राफ ऊपर जाने वाला है, तो मैंने ऐप पे क्लिक कर दिया. 7,000 रुपये मेरे रियल अकाउंट से इन्वेस्ट हो चुके हैं. इन्वेस्ट होने के बाद अब हमें वेट करना है ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. तो गाइस देखिए ग्राफ सच में ऊपर चला गया और हमारी जो इनकम हुई है वो 7,000 रुपये लगा के 12,810 रुपये हुई है. अब सवाल ये आता है कि इन पैसे कमाए हुए पैसों को निकाले कैसे? अब जैसे यहां से आपको दिख रहा होगा बैलेंसेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे विड्रॉल फंड्स का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं. और यहाँ पे सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, सपोर्ट में जाके इनके साथ आप चैट करके कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप इनसे अपने क्वेश्चन
वन टू वन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। सो गाइस देखा आपने, कुछ मेरे भाई कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बहुत सिंपल है विनोमो ऐप को ऑपरेट करना, जैसे मैंने बताया आप ऐसे करके देखिएगा। तो आपने इसमें क्या करना है, सिंपली जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे आप पहले विनोमो ऐप को डाउनलोड करें। विनोमो ऐप को जब आप इस लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगा $1000 का बोनस आपके डेमो अकाउंट में। मतलब कि $1000 मतलब 70,000-75,000 रुपए जो भी है वो आपको एक डेमो अकाउंट में मिल जाएंगे, मतलब उन पे डेमो अकाउंट में मिल जाएंगे। तो आप उनसे डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके आप सीख जाएंगे जो भी आपकी कंफ्यूजन होंगी। और नहीं भी सीख पा रहे तो मुझे क्वेश्चन कर दे, मैं अगले वीडियो में फिर दोबारा बता दूंगा। तो आप जब सीख जाएं उससे आप प्रो बन जाएं, पहले आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, जब आप प्रो बन जाएं तो उसके बाद आप ट्रेडिंग करना मेरी तरह सीख जाएंगे। और फिर ट्रेडिंग करके आप थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम, आप अपने काम में बिजी हो, इधर उधर अपने शौक पूरे करने में बिजी हो, तो आप इस तरह से थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो, तो जैसे मैं कमाता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे जाके आप विनोमो ऐप को डाउनलोड करो और कमाओ मेरी तरह थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम। और अब हम चलते हैं जल्दी से जिम। मेरा ना भाई तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा गोलगप्पे खाने का मन हो रहा, मतलब ऐसे कुछ ना पेट से ना हूं मैं, पर फिर भी मैं गोलगप्पे देख के समझो खट्टा खाने के लिए 24 घंटे। मतलब मैं कुछ खाया नहीं सुबह से यार। कल क्या हुआ, हम सुबह लौटे हैं ऋषिकेश से, कितने बजे आए हम, पहले तो हम रुकने वाले थे पर रुके नहीं, पहले रुकने वाले थे, मुझे याद आ गया, मैंने कहा सीरीज की वीडियो रुक जाएगी यार, कहाँ बनाऊंगा मैं वहाँ वीडियो, यहाँ तो ये अभी अच्छा होटल के पैसे बेकार गए। एक प्रॉब्लम और है कि अब यहाँ ना पहले जिम खाली कराना पड़ता है पूरा, कि कोई शोर ना हो, कोई म्यूजिक ना बजे पीछे, ताकि आपको आवाज ठीक से आए, और मैं बात करने में मुझे वो ना हो कि मैं बार बार किसी को भाई शांत हो जाओ भाई शांत हो जाओ। तो क्योंकि फिर जब मैं काम कर रहा हूँ तो फिर मैं रूड हो जाता हूँ यार बहुत, कि मैं काम कर रहा हूँ और कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा है ना, फिर मैं रूड हो जाता हूँ, फिर आधे कहते भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो इस चक्कर में अब जिम खाली कराना पड़ेगा, छोड़ते हैं गोलगप्पे, शाम को शादी में ही खा लेंगे। तो अब ना बिना वीडियो खींचे आधे भाई परेशान हो, भैया आप ना वीडियो खींचते हो तो आधे मेरे भाई मुझे सिर्फ मिलने आते हैं, मुझे देखने आते हैं, मुझे सुनने आते हैं, दैट्स व्हाई उनके लिए भी 2-4-6 मिनट खर्च करने पड़ते हैं यार। ऐसा नहीं कि वीडियो खोलो और वर्कआउट शुरू हो, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप स्किप कर लिया करो, आपको पता है 7-8 मिनट का तो मैं खींच लेता हूं। इंटरेक्शन जरूरी है, इंटरेक्शन जरूरी है, मेरे भाइयों से बात करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको बोरिंग लगता है तो आप स्किप कर लिया कीजिए और वर्कआउट वाला पार्ट देख के और निकल जाया कीजिए, ठीक है। तो अब बकवास नहीं करते, सीधे चलते जिम, और सीधे जिम में पहुंचने के बाद ही आपको मिलूंगा। बाय बाय। इतनी बुरी बेइज्जती मेरी जिंदगी में भी ना हुई होगी। कैमरा मुझे लगा कैमरा है, मैं यहाँ और रिजल्ट भाई आते भाई कह रहे हैं भैया अभी स्लो रिजल्ट आ रहा है। भाई स्लो ही आएगा। सबसे पहली चीज मैं तुमको बार बार नहीं बोलूंगा यार, सेफ्टी जरूरी है। सेफ बॉडी ना 2 महीने में ट्रांसफॉर्म करके दिखा दूंगा और बहुत तगड़ी, लेकिन कुछ भी खराब हो गया ना बॉडी में, फिर जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना उनका भी दिल टूटेगा, डर जाएंगे, आधे जिम ही जाना छोड़ देंगे कि राजवीर को कुछ हो गया। गलत मैसेज देना ही नहीं है। 2 महीने की जगह 3 की जगह 6 में कर लूंगा। मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा जो कंपटीशन है वो मेरे अपने आप से है। मुझे अपना बेटर वर्जन लेके आना, वो पैकेज लेके आना जो मैंने खुद कभी ना देखा हो, तो मेरी कोशिश वो है। तो ये जो उंगली करते हो ना एक दो, मतलब सारे भाई बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सबको पता है मेरे साथ क्या हुआ है, कुछ को नहीं पता है तो वो एकदम से चैनल पे आते हैं, अबे तेरा तो पेट निकल गया, तुझे क्या हो गया, तेरे तो डब्बे निकल गए, तेरे तो इंजेक्शन निकल गए, और यही होता है जब गियर्स लेना छोड़ते हो। सबसे बेस्ट है स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड सेफ, धीरे धीरे जाओ, सेफ जाओ। मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है यार कि फलाने यूट्यूबर की ऐसी बॉडी, फलाने की ऐसी। मेरा टाइम आएगा मैं दिखा दूंगा मेरी कैसी है, ठीक है। और बहुत दिनों में नहीं आएगा टाइम, बहुत जल्दी आ जाएगा, बट बहुत अच्छे बहुत ज्ञानी कोच के अंडर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरा पहले से ही माइंड सेट ऐसा है कि मुझे जो करना है वो बहुत तमीज से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना होता है। ऐसे नहीं गधों को देखकर, घोड़ा हूं यार मैं, गधा नहीं हूं, गधों की रेस में मुझे दौड़ना ही नहीं है। ये भीड़ हो रही है, ये ऐसे नशे निकाल रहे हैं, उनकी ऐसे बॉडी हो रही है, सब अपनी जगह ठीक है, मैं मेरी जगह ठीक हूँ। अगर मैं मोटा हूँ, मेरी तूने निकली हुई है अभी, तो शायद मेरे लिए भगवान ने यही सोचा हुआ है अभी, ठीक है। तो मुझे ये लेक्चर वेक्चर मत दिया करो, आप जल्दी से जाकर सीधे जिम में मिलेंगे। सुबह जमा चुके जिम के अंदर, और आज का हमारा वर्कआउट होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी बैक एंड बाइसेप्स वर्कआउट। और बैक और बाइसेप्स वर्कआउट भी हम ऐसे करेंगे, सब ने कल वर्कआउट किया था, 4 एक्सरसाइज राइट बैक की और 3 एक्सरसाइज हमारे बाइसेप्स की। बैक में हम रोइंग एक्सरसाइज नहीं करने वाले, मशीन करेंगे, कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। और उसके साथ हम करेंगे 3 एक्सरसाइज हमारे बाइसेप्स की। जब हम बैक करते हैं तो उसके साथ हमारे बाइसेप्स भी एंगेज होते हैं,
तो जो हम वर्कआउट करने वाले हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आज हमारा लॉन्ग एंड पर ध्यान रहेगा थोड़ा, और दो दिन बाद जो हमारा बैक एंड बाइसेप्स रहेगा उसमें हम रोइंग डेडलिफ्ट करेंगे और हमारे पीक के ऊपर हम वर्कआउट करेंगे। तो आज का जो हमारा वर्कआउट होने वाला है वो कैसे होने वाला है, सबसे पहले हमने करना है वार्म अप हमारे बैक के लिए, जो कि करना है हमने चिनअप्स के साथ। मुझसे भी चिनअप्स लगते नहीं है भाई, बड़ी दुख भरी बात है ये। मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की, तो थोड़ा सपोर्ट लेके मैं कर पा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, दो से तीन सेट करने हैं, 5, 10, 12 जितने भी आप मैक्सिमम रैप निकाल पाएं। सबसे अच्छा बैक वर्कआउट हमारा चिनअप्स होता है, क्योंकि उसमें हमारा बॉडी वेट लिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने वार्म अप करना है चिनअप्स के साथ, देन जब आप चिनअप्स कर लेंगे उसके बाद हमने करना हमारा लेग पुल डाउन के साथ शुरू। तो कैसे करेंगे आइए मैं आपको सुबह इस बैक वर्कआउट हम शुरू करेंगे हमारे लेग पुल डाउन के साथ। लेग पुल डाउन में हमने इसमें करने आज हमने करने हमारे सबसे पहले हम सिर्फ अपने लेग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमारी वी शेप होती है बैक की, ठीक है। तो लेग्स के ऊपर हम काम करेंगे, वही हमने करना है जैसे हम करते आ रहे हैं पिछले महीने से, ड्रॉप सेट हमने करने। आज हम कोई भी रोइंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो हमने क्या करना है, मैक्सिमम वेट के साथ जाना हमने 16 रेप, ठीक है। और रेस्ट हमने कम से कम करना है, और ज्यादा से ज्यादा रेप के साथ, कम से कम रेप के साथ, कम से कम रेस्ट के साथ, और ज्यादा से ज्यादा रेप के साथ। तो हम हमारा वर्कआउट परफॉर्म करेंगे लाइक भाई, इसको फॉलो कर लेना थोड़ा तमीज में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ये मैं प्रॉमिस करके बोल सकता हूँ, गारंटी देंगे, ठीक है। तो हमने हमारे हाथ भी कुछ सीधे करने एंड देन नीचे लाके होल्ड करना, देन वापस जाना लाइक दिस, 1 हल्का सा होल्ड, 2 पूरा फील करना लेट्स पे अपने, 3, 4, 5 जितना आप यहाँ होल्ड करेंगे ना लाके हल्का सा, उतना ज्यादा आपके लेट्स पे आपको फील होगा। 16 रैप करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12 पे थक गए, एक प्लेट कम करेंगे, देन कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा 13, 14, 15 होल्ड, 16 होल्ड, 17, 18, 19, 20 इस तरह से हमने करना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, इसके आपने इसी तरह से 4 सेट करने हैं। नीचे लाएंगे तो यहाँ हल्का सा 1 या 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन पूरा ऊपर जाएंगे, देन पूरा नीचे आएंगे, 1 या 2 सेकंड का हमने होल्ड करना है। सेकंड वर्कआउट जो होगा हमारा इसी के ऊपर होगा, क्लोज ग्रिप लेग पुल डाउन। इसमें हमने क्या करना है, सेम वैसे ही परफॉर्म करना है, और इसमें जो हमारी पोजिशन होगी हमने रॉड को ऊपर ऊपर नहीं खेलना है, इसको हमें यहाँ तक लाना है, यहाँ तक। तो यहाँ तक तो ये नहीं आ पाएगी रॉड, तो आप जब यहाँ लाओगे तो आपने इसको यहाँ फील कराना है, और वापस जाने में पूरा आपको जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होगी नीचे आगे होगी, और मसल जो स्ट्रेच होगी वो ऊपर जाने में होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमने 15-18 रैप के लिए करना है, मैक्सिमम आप जा सकते हो तो मैक्सिमम फेलियर। हमारे गुरु जी जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि रैप रेंज वहाँ तक जाओ जहाँ तक आपको ऐसे लगे अब आप एक रैप भी नहीं निकाल सकते, वहाँ तक आपको जाना है। तो 18 तो मुझे पता नहीं आपकी रेंज कितनी हो सकती है, आपने देखा होगा जब मैं गुरु जी के साथ ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम रैप तक तोड़ा जाता है, जहाँ तक मुझे कई बार उल्टियाँ भी हो जाती हैं, ठीक है। ये हम गए 1 जैसे मैंने बताया यहाँ तक, 2 होल्ड, जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे नीचे लाके उतना ज़्यादा आपकी बैक स्क्वीज होगी, मसल कॉन्ट्रेक्शन उतना ज़्यादा होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ड्रॉप सेट करेंगे, वेट ड्रॉप किया 10 के बाद हमने अगेन कंटिन्यू करना 11, 12, 13, 14, 15, 16 आप यहाँ से 2, 4, 6 रैप ज़्यादा जा सकते हैं तो वहाँ तक जाएं, रेस्ट बहुत कम लेना है, 20 से 25-30 सेकंड बस, दोबारा वेट बढ़ाना है मैक्सिमम वेट के साथ, मैक्सिमम रैप और लेस रेस्ट। तो ये हमारी 2 एक्सरसाइज हो जाएंगी, आपने इसके 4-4, 5-5 सेट परफॉर्म करने बहुत अच्छी तरह,
मुझे बताने में इतना अच्छा पंप हो जाता है। चलेंगे हमारे थर्ड वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। हमारे लेग्स के लिए केबल एक्सटेंशन हम करने वाले हैं। अगर इसमें आपके ट्राइसेप्स पर आ रहा है दैट मींस आपका फॉर्म रॉन्ग है, दैट्स व्हाई आपके ट्राइसेप्स पर आ रहा है। तो इसमें हमने क्या करना, हमारी जो लोअर बैक है ये स्ट्रेट रहेगी एंड ये जो हमारे हाथ है ट्राइसेप्स पे हमें फील नहीं करना, ये हाथ हमारा आगे, हम लेग्स को अपने एक्सपेंड कर रहे हैं। अब यहाँ से जब हम छोड़ रहे हैं तो आप देखिए मेरे लेग्स ओपन हो रहे हैं, लाइक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन 15, 18, 20 जितने रैप मैक्सिमम फिलियर आप जा पाए, जहां जाके आपको ऐसा लगे कि अब आप एक भी रैप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते वहां तक आपने जाना है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड वर्कआउट। ये मत सोचना कि बहुत इजी वर्कआउट है, तीन ही एक्सरसाइज है, चार एक्सरसाइज है। एक हफ्ते में एक मसल का दो बार नंबर आएगा और दोनों बार उस मसल को अलग अलग तरीके से हिट किया जाएगा। इसके लिए आपको 6 की 6 वीडियोज देखनी पड़ेंगी, जो आगे 4 वीडियोज आने वाले हैं या कल आपने जो सीखा होगा आपको समझ में आ जाएगा। आप इसी तरह से परफॉर्म करते जाना जैसे मैं बता रहा हूँ, पर डे मंडे का वर्कआउट, ट्यूसडे का वर्कआउट, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 दिन का वर्कआउट आप जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो कर लेना। और पूरे हफ्ते जब फॉलो करोगे ना तब मुझे बताना आपको रिजल्ट मिला या नहीं। उससे पहले जैसे करना कि 4 एक्सरसाइज बताइए भाई, इस बार मज़ा नहीं आया, बहुत हार्ड वर्क होने वाला है, इसका दर्द खत्म नहीं होगा, 2 दिन बाद दोबारा इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 एक्सरसाइज, हमारी 4th वर्कआउट। सो गाइस, 4th वर्कआउट जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारा सीटी ड्रॉइंग। अगर आपके जिम के अंदर मशीन है तो आप मशीन के ऊपर परफॉर्म कर लें, आपकी चेस्ट ऊपर रहेगी, बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी, लोअर बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी एंड हमें इसको इस तरह परफॉर्म करना, यहाँ लाके होल्ड करना, देन रिलीज करना। अगर आपके पास वो दूसरा वाला अटैचमेंट है तो वो लगा लें, इससे करना तो इससे भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वेट वही रखना है, 15 से 18 रैप तो हमें जाना ही जाना है, उससे अगर आप ऊपर चले जाएँ तो वैल एंड गुड है। तो इसमें हमने क्या कर रहे हैं, ये हम आगे, बैक हमारी स्ट्रेट है, चेस्ट हमारी स्ट्रेट है, यहां हम गए अंदर पीछे आगे हमने होल्ड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वेट कम करेंगे, देन कंटिन्यू करें हमारे 11, 12, 13, 14 लाइक दिस। तो ये हो जाएंगे हमारे 4 एक्सरसाइजेस हमारे बैक के लिए। भाई मेक श्योर 20 मिनट के अंदर आप ये खत्म कर दो, देन आपको पता लगेगा हाई डेंसिटी वर्कआउट आपका कैसे चल रहा है। ज़्यादा टाइम दोगे, दोस्तों से बातें करोगे, फ़ोन में लगे रहोगे तो वो मज़ा नहीं आने वाला। 20 मिनट का आप टारगेट लेके चलना, 15 से 20 मिनट के अंदर आपको ये 4 एक्सरसाइजेस खत्म कर लिया। इसके बाद चल रहे हैं हम हमारे बाइसेप्स वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस, बैक वर्कआउट के बाद हम करने वाले हैं हमारा बाइसेप्स वर्कआउट। बाइसेप्स वर्कआउट हम अपने लॉन्ग हाइट के लिए परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो हम 3 एक्सरसाइज करेंगे बस। तो हमने क्या करना, हमारी इजी बार कर, अभी मुझे नाम याद आने शुरू हो गए सारी चीज़ों के, पिछले महीने मुझे इसका नाम भी याद नहीं आ रहा था, इसको कहते थे क्या ज़िगज़ैग बार, मैं इसको बोल रहा था इजी बार कर बोलते हैं इसको, इजी बार कर। तो इसमें हमने अपना मैक्सिमम लोड लगाना है, ठीक है, 5-5 की लगा लो, 2.5-2.5 की लगा लो और अपने वही 15-18 रैप हमने परफॉर्म करने हैं। तो हमने क्या करना है, अपने हाथ को स्टेबल रखना लाइक दिस, 1, 2, 3 नीचे स्लोली आना है, जितना ज़्यादा स्लोली आओगे उतना ज़्यादा वेट फील होगा, उतना ज़्यादा फटेगी तुम्हारी और उतना ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन होगा और उतनी ज़्यादा मसल रिकवरी होगी और उतने ज़्यादा तुम्हारे डोले जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सपोज करो 10 पे थक गया तो मैं इसके अंदर अगर छोटी छोटी प्लेट डालता
तो मैं एक एक मिनट निकालता एंड देन मैं कंटिन्यू करता मेरे 15-18 रेप के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा जा सकते हो तो उससे ज़्यादा चले जाओ, कोई नुकसान नहीं। जितना ज़्यादा जाओगे उतना ज़्यादा आपकी मसल्स निखर के बाहर आएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वर्कआउट हो जाएगा हमारे बाइसेप्स के लिए। चलेंगे हमारे सेकंड वर्कआउट की तरफ जो है हमारा हैमर कर्ल। लेट्स गो। सो हैमर कर्ल में हमने थोड़े हैवी डंबल लेने, ठीक है, और डंबल्स की ग्रिप बिल्कुल टाइट रखनी है एंड देन लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आपने क्या करना है, एक हाथ से आपके कम से कम 15 रैप निकलने चाहिए, मतलब कि आपके टोटल रैप हो गए 30। तो 30 रैप आप जब करोगे तब आप सोचना बिल्कुल ठीक जा रहे हो। और आप देखेंगे ये हमारे, मतलब एक तरह से लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारे डोले की चौड़ाई के लिए होता है ये, जो हमारी विड्थ होती है बाइसेप्स की, इसके लिए होता है हमारा ये जो हम हैमर करते हैं। तो नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ चलेंगे, लेट्स गो। सो गाइस नेक्स्ट वर्कआउट हम पुली के ऊपर कर रहे हैं। अगर आपको फ्री वेट करना है अपनी बारबेल के साथ तो वैसे भी कर सकते हैं। इसमें हमने क्या करना है, ये जो हमारा वर्कआउट है ये हम रिवर्स ग्रिप कर रहे हैं हमारी। जैसे हम बारबेल कर्ल करते हैं तो हमारा हाथ ऐसे रहता है, ग्रिप हमारी ऐसे रहती है, इसमें हमारी ग्रिप ऐसे रहेगी। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे मैं अलग अलग बॉडी बिल्डर्स के साथ ट्रेन करता हूँ ना, उसका फायदा ये होता है कि सारों से ना कुछ सीक्रेट टिप मिल जाती है। अब ज्ञानी बन के बैठते हो सब कुछ सिखाते रहो तो वो गलत है, सबसे सीखो ना। अब इशू मुझसे कई साल छोटा, इशू आपको पता होगा अभी ओलंपिया में भी गया था, अभी इस बार उसकी प्लेस लगी नहीं, पहले कई मेडल मार चुका है वो, गोल्ड भी, सिल्वर भी, ब्रॉन्ज भी। तो उसने मुझे बताया था कि जब मैं ये कभी करता नहीं था लेकिन बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, तो मैं कह सकता हूँ मेरा वर्कआउट है लेकिन भाई मुझे ना किसी ने सीखा है, मुझे मज़ा आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। इसके अंदर क्या है, हमारी ये जो मसल होती है, अभी मैंने फुल स्लीव्स पहना तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारी मसल होती है, ये वाली दोनों हाथ की ये वाली जो मसल होती है, यहाँ से लेकर ब्रेकियलिस मसल तक, ये हमारा इसको टारगेट करता है। तो इसको करने की फॉर्म जो होगी वो ये होगी, हमें पीछे हमने आगे झुक के खड़े होना थोड़ा सा, और ये हमारा इस तरह से ऊपर जाएगा एंड देन नीचे आएगा लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेट कम करके अपना 15-18 रैप के लिए कंटिन्यू करें। आपको और थोड़ा बहुत वर्कआउट करना है, आपको लग रहा है नहीं थके हो ज़्यादा, और एक चीज़ बताऊँ, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने से, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने से कुछ नहीं होता, मसल रिकवरी अच्छी होनी चाहिए। कार्डियो हमने अभी सेकेंड मंथ में हम प्रियोरिटी दे रहे हैं थोड़ी सी कार्डियो को, ठीक है, तो कार्डियो पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे मैंने कल बोला आज भी बोल रहा हूँ कार्डियो पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब जो हमारा इसके दो दिन बाद आएगा हमारा बैक एंड बाइसेप वर्कआउट, फिर से रिपीट होगा, जिसके अंदर हमारी गोइंग एक्सरसाइज करेंगे, वो बहुत हार्ड कोर होने वाला है हमारा, उसके अंदर हम बाइसेप्स के पीक पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये तीन एक्सरसाइज आपने बाइसेप्स की कर लेनी है। अगर आपको लगे आपके बाइसेप्स में थोड़ा बहुत दम है तो आप एक दो एक्सरसाइज, एक ज़्यादा नहीं, 3 या 4 बहुत है। अगर आप बैक कर रहे हो अच्छे से, बैक ट्रेन कर रहे हो तो 2, 3 या 4 एक्सरसाइज बहुत है बाइसेप्स की। अभी हमारा हो गया बाइसेप्स वर्कआउट, इसके बाद हम करने जा रहे हैं हमारा एब्स का वर्कआउट, लोअर एब्स के लिए। तो चलते हमारे लोअर एब्स के वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस अब हमारा बैक हो गया, बाइसेप्स हो गया, अभी हमने करना हमारा लोअर एब्स। तो लोअर एब्स के लिए पहला वर्कआउट जैसे हमने पहले किया था, अभी एक एक्सरसाइज इसमें बढ़ने वाली है। तो हमने क्या करना है, हमारा नी बैंड करना है डिक्लाइन बेंच के ऊपर, यहाँ हमारा पैर सीधा है और यहाँ करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने मैक्सिमम आप रैप लगा सको, किसी को ड्रैप ड्रॉप सेट नहीं है, जितने मैक्सिमम आप कर सकते हो 15, 20, 25, 30, 50, वो आपकी फैट परसेंटेज के ऊपर, आपकी बॉडी पे कितना फैट है, आप कितने रैप्स कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पहली एक्सरसाइज हमारे एब्स के लिए। सेकंड वर्कआउट करेंगे हम हैंगिंग लेग रेज, जिन लोगों से नहीं हो पाएगा हैंगिंग लेग रेज, जो लोग नहीं कर पाएंगे वो अपना इसी बेंच के ऊपर लेग रेज कर लें लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5। जो लोग थोड़े फ्लेक्सिबल हैं
कर सकते हैं। उन्होंने हैंगिंग लेग रेज करना है, कैसे करना है बताता हूँ अभी। और ये जो लड़का है ये वाला, इसके बारे में तुम्हारे क्या विचार है मुझे बताना, ठीक है? और यार देखना इसकी यहाँ पे पिन घुसाई हुई है, इसको बेचारे कितना दर्द हुआ होगा, है ना? ऐसे किसी की चेस्ट के अंदर पिन घुसा तो अच्छी बात है, अल्फा जिम वालों गलत बात है। ये लड़का मुझे बहुत पसंद है यार, ये जो डायलॉग बोले ना मत पढ़ो चक्कर हो गया, ये इतनी दवाई है। सुबह जब हमने करना है हैंगिंग लेग रेज, हमारे किसी भी बार के ऊपर कुछ भी जुगाड़ मिल जाए लटकने का, इसके ऊपर हमने सिंपली लटकना है एंड हमारे लेग्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आपने, अगर आपके यहाँ मुझे दिखने के लिए शायद है भी नहीं, जिम्स के अंदर एक बार होती है पैरेलल बार डिप जिसमें हम करते हैं, उसके ऊपर अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हो जाएगा हमारा सेकंड वर्कआउट हमारे एब्स के लिए, लोअर एब्स के लिए। थर्ड वर्कआउट जो हमारा होगा वो होगा बेंच के ऊपर हमने करना है नी बेंड। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने सिंपली बेंच पे बैठना है एंड यहाँ से बेंच को पकड़ना है और अपना बढ़िया बैठ जाना और बैठे रहना और आगे फैलो रिलैक्स होकर बैठो, कोई दिक्कत नहीं। क्या खाया था हमने फिर पेट में गोलगप्पे फिश मील और ठंडे, अब मिक्सचर देखो क्या निकलेगा। तू चूतिया है कुछ आ निकाल बैठ चले तेरी खोपड़ी कर दूंगा कोई क्या है कितने करनी है। थर्ड वर्कआउट करना हमारे, हमने लेग रेज करने इसके ऊपर बैठना यहाँ से इसको पकड़ना है लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से हमारे तीन वर्कआउट हो जाएंगे। पहले हमने किया है नी बेंड डिक्लाइन बेंच के ऊपर, दूसरा किया हमने हैंगिंग लेग रेज। अगर हैंगिंग लेग रेज नहीं होता तो डिक्लाइन बेंच के ऊपर लेग रेज कर ले और थर्ड वर्कआउट हमारा ये हो जाएगा। तो हमने बैक कर लिया, बाइसेप्स कर लिया, लोअर एब्स कर लिए। अब हम चलेंगे हमारे कार्डियो की तरफ। बहुत शांति से कानों में अपने हेडफोन लगा लो, कोई अच्छा सा गाना ढूंढ लो और उसके बाद हेडफोन लगाओ, कोई अच्छा सा गाना ढूंढो और अपना कार्डियो पे बैठ जाओ। क्योंकि जो हमने अभी तक वर्कआउट किया वो हमने मसल्स के लिए किया, हमारा जो मसल गेन होगा वो वर्कआउट से होगा, लेकिन फैट लॉस के लिए भाई एक ही ऑप्शन है, चाहे तुम हो या मैं हूँ या कोई भी है, उसके लिए फैट लॉस के लिए एक ऑप्शन है, दैट इज़ कार्डियो। कार्डियो करना मस्ट है। 30-40 मिनट साइकिल पे दे दो, क्रॉस ट्रेनर पे दे दो, वॉक ट्रेनर पे दे दो, ट्रेडमिल पे दे दो, बाहर दौड़ लो, सीढ़ियों पे दौड़ लो, सपाटे कर लो, जैसे तुम्हारा मन करे डांस कर लो, कोई गेम खेल लो, बास्केटबॉल खेल लो, जो तुम्हारा मन करे। 30-40 मिनट हमें हाई इंटेंस कार्डियो करना है, जिसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट रेट तेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैलरीज बर्न हो, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सांस फूले, ज़्यादा लेवल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्टैमिना बने। जितना ज़्यादा कार्डियो करोगे उतना ज़्यादा स्टैमिना बनेगा, ठीक है? तो आज का वीडियो यही था, बैक वर्कआउट, बाइसेप्स वर्कआउट। दो दिन के बाद यही वर्कआउट फिर से आएगा, लेकिन एक्सरसाइजेज चेंज होंगी। तो भाई प्लीज़ 6 के 6 दिन के वर्कआउट देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे, ठीक है? तो ये है हमारा डे 32 का वर्कआउट। अब मिलता हूँ आपको कल हमारे नेक्स्ट वर्कआउट में, जो होने वाला हमारा लेग्स एंड शोल्डर, उसमें हम क्या करेंगे वो भी आपको कल ही बताऊँगा। तो मिलता हूँ कल आपको हमारे नेक्स्ट वर्कआउट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। और ये चोमू लुक मैं लेके घूम रहा हूँ ना, जान के लेके घूम रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं भाई कैसे घूम रहे हो, जब तक बॉडी बनेगी ना ऐसे ही रहूँगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊँगा हर चीज़ की, ठीक है? बाय, लव यू। रैप्टा का